बुलेटिन की भोपाल से खबर, जहां मेंडूस तूफान का राजधानी भोपाल में असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारिश के जो आसार थे वो सही साबित हुए। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया था और भोपाल संभाग के जिलों में बारिश हो रही है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी में बारिश के आसार दिखे हैं। मेंडूस में मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरा है। राजधानी भोपाल में भी और भोपाल संभाग के आसपास कई जिलों में बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया था। मेंडूस तूफान का असर भोपाल सहित आसपास के इलाकों में देखने को मिला है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में बारिश के जो आसार थे, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जाहिर किया था, बारिश हुई है। हम रुक करेंगे दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, जाहिर है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया था बारिश को लेकर और वही सच साबित हुआ। जी दीपक, मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने 12 से लेकर 14 तारीख तक का पूर्वानुमान जारी करा था। मेंडूस तूफान का असर मध्य प्रदेश में 12 से 14 तारीख के बीच देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था, हल्की फुल्की बारिश, इसके अलावा मावठा गिरने की संभावना जो अलग अलग जगह पर जताई जा रही थी, मावठा कह दे, मेंडूस तूफान का असर कह दे, साइक्लोन का असर कह दे, यह अब देखने को मध्य प्रदेश में दिख रहा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर संभाग में मावठा गिरने की संभावना जताई थी, मेंडूस तूफान के असर की बात बताई थी। और उसके बाद कहा था कि उसके दो दिन बाद, मतलब 15 तारीख से अब अधिक ठंड, ठिठुरने वाली ठंड लोगों को लगने लगेगी, टेम्परेचर लुढ़केगा, क्योंकि जो तूफान का असर है अब देखने को मिलेगा। जैसे 15 दिसंबर होने वाला और जिस तरीके से ठंड पिछले वर्षों के अनुसार इस वर्ष की बात करें तो कम पड़ रही है, अब उसका असर 15 दिसंबर के बाद हो सकता है, देखने को मिल सकता है, ठिठुरन वाली ठंड देखने को प्रदेश भर में मिल सकती है। तो ये एक साइक्लोन के असर के बाद अब लगता है मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ेगी और टेम्परेचर में गिरावट होगी। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अचानक से मौसम में बदलाव आया है, मेंडूस तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखा है, राजधानी भोपाल के आसपास बारिश सुबह देखने को मिली।